ट्रॉफिक है यामा रे 125 BS6 स्कूटी बाइक हम लोग, और देखिए चेक इंजन लाइट अभी तक जला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो वीडियो का ट्रैफिक है चेक इंजन लाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग इशू कॉन्टैक्ट करके यहाँ मीटर में बता देता है जब कोई गाड़ी में कोई फॉल्ट है। तो हम लोग अभी OBD डिजिटल स्कैनर हम लोगों के पास है, V311 डिजिटल स्कैनर, वो इस गाड़ी में कनेक्ट करके देखेंगे इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम बता दिया, देखिए देख दोस्तों कौन दिखा रहा है P0500, ये हम लोगों का कोड है। और देखिए यहाँ पे सेंसर भी बता दिया कौन सा सेंसर खराब है, व्हीकल स्पीड सेंसर। ठीक है, ये व्हीकल स्पीड सेंसर, डाटा स्ट्रीम, बैटरी वोल्टेज, ऐसे कुछ सब चलाएं यहाँ पे। तो हम लोग अभी रेस कोर्ट में जाएंगे, पूरा इश्यू को हम लोग फ्लैश करेंगे दोस्तों। और एक बात याद रखना दोस्तों, हम लोगों का गाड़ी स्टार्ट ऑफ हो जाना चाहिए, अभी इस टाइम में स्टार्ट करने से नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए RH कोर्ट में जाएंगे, जाके हम लोग इंटरवल बटन को पे करेंगे। ठीक है, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ कमाल उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटो मोबाइल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का ट्रॉपिक है यामा रे 125 BS6 स्कूटी बाइक हम लोगों के पास आया है, और इस गाड़ी में एक चेक इंजन लाइट मीटर में जला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं चाबी की हम लोग जैसे ऑन किए, अब देखिए गाड़ी हम लोगों का स्टार्ट हो गया। और देखिए स्टार्ट हो जाने से और हम लोगों का जो चेक इंजन लाइट है ये ऑफ हो जाना चाहिए दोस्तों। देखिए अभी हॉर्न बॉर्न सब कुछ काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इंडिकेटर भी हम लोगों का चालू है, बूट ऑन ऑफ है हम लोगों का, देखिए। और देखिए चेक इंजन लाइट अभी तक जला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो वीडियो का ट्रैफिक है चेक इंजन लाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग इशू कॉन्टैक्ट करके यहाँ मीटर में बता देता है जब कोई गाड़ी में कोई फॉल्ट है। तो हम लोग अभी OBD डिजिटल स्कैनर हम लोगों के पास है, V311 डिजिटल स्कैनर, वो इस गाड़ी में कनेक्ट करके देखेंगे इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। अगर हमारा चैनल पहली बार है चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन तो प्रेस कर देना, क्योंकि प्रेडिक्स ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोग अभी इस गाड़ी में हम लोग V3 डिजिटल स्कैनर है हम लोगों के पास है, और इस गाड़ी में हम लोग कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। अभी ये डाटा लिंक केबल है, यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे केबल को। ठीक है, बने रहे दोस्तों वीडियो में। देखिए हम लोगों का कनेक्ट हो गया, अभी चाबी स्विच को हम लोग ऑन करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी इंटर वाला बटन में जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए कुछ इस टाइप पर स्टार्ट हो रहा है, आई होप आपको समझ पा रहा है दोस्तों। फिर एक बार इंटर वाला बटन हम लोग प्रेस करेंगे, और एक बार देखिए यहाँ पे रेड कोड, RH कोड, यहाँ पे डाटा लिंक, डाटा स्ट्रीम, ये सब कुछ जाने के लिए बैटरी वोल्टेज क्या है सब इसको इसमें आपको लोग बता देंगे। तो हम लोग अभी रेड कोड में जाएंगे, फिर एक बार इंटर वाला प्रेस करेंगे। अभी करंट डिटेल्स यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम बता दिया, देखिए देख दोस्तों दिखा रहे हैं P0500, ये हम लोगों का कोड है। और देखिए यहाँ पे सेंसर भी बता दिया कौन सा सेंसर खराब है, व्हीकल स्पीड सेंसर। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का जो स्पीड सेंसर है सामने का ये कटा हुआ है, ये केबिल हम लोगों का कट चुका है, जिसका कारण इशू हम लोगों को कॉन्टेक्ट करके बता दे रहे हैं। ठीक है, ये स्पीड सेंसर खराब है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग मार्केट में जाएंगे, जाके इस केबिल को हम लोग परचेज करेंगे। ठीक है, खोल के इस गाड़ी में ऐड करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, वीडियो तो सो गाइस फाइनली हम लोग इस मीटर केबिल को हम लोग परचेज कर लिए थे मार्केट से, और अभी हम लोग गाड़ी में ऐड करने वाला है। क्योंकि अभी जो हम लोगों को डिजिटल स्कैनर में जो व्हीकल स्पीड सेंसर जो हम लोगों का जो सिग्नल आ रहा है, जिसके कारण हम लोगों का यहाँ पर माइफल से लाइट जला हुआ है, तो अभी हम लोग केबिल को हम लोग गाड़ी में ऐड करने वाला है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ डिजिटल है, डिजिटल हम लोगों का मीटर है, जिसका कारण क्या होता है हम लोगों का केबिल कट चुका है, जिसका कारण हम लोगों का इशू कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर मीटर में बता दे रहा है जब गाड़ी में कोई फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, तो गाड़ी में अभी हम लोग ऐड करने वाला है आपका जो केबिल है, हम लोगों का जो केबिल है गाड़ी में ऐड करके,
फिर वीडियो को मदद से दिखाएंगे इसका जो स्कैनर मतलब यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट जला हुआ है। दोस्तों गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हम लोगों का केबल हम लोग ऐड कर दिया गाड़ी में। दोस्तों गाइस फाइनली आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग का ये जो डाटा लिंक केबल है यहाँ से हम लोग कनेक्टिविटी लेंगे, ठीक है। और जितना भी अभी स्कूटी बाइक हम लोग का आ रहा है सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पाँव के नीचे, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे आप फ्यूज बॉक्स। तो यहाँ से हम लोग कनेक्टिविटी ले लिए, कनेक्टिविटी लेने से यहाँ पे हम लोग का लाइन चलाया दोस्तों आप देख सकते हैं। तो हम लोग अभी इंटर वाला बटन को पे करेंगे डिजिटल स्कैनर में, ठीक है देख सकते हैं। और हम लोग का लाइट चला जाएगा दोस्तों RH कोड में जाने से हम लोगों का लाइट चलाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कैसे डिजिटल स्कैनर को कैसे काम करते हैं देखिए देखिए दोस्तों, ये बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इंटर वाला बटन हम लोग पे किया, कुछ स्टेप का एक्टिविटी करेगा, जितना भी सेंसर है हम लोगों का सब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। और एक बार इंटर वाला बटन को हम लोग पे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे चलाया रेड कोड, RH कोड, डाटा स्ट्रीम, बैटरी वोल्टेज ऐसे कुछ सब चलाएं यहाँ पे। तो हम लोग अभी रेस कोर्ट में जाएंगे, पूरा इश्यू को हम लोग फ्लैश करेंगे दोस्तों। और एक बात याद रखना दोस्तों, हम लोगों का गाड़ी स्टार्ट ऑफ हो जाना चाहिए अभी इस टाइम में, स्टार्ट करने से नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए ये RH कोर्ट में जाएंगे, जाके हम लोग इंटर वाला बटन को पे करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग पे कर दिए, और देखिए यहाँ पे चेक इंजन लाइट अभी भी है, अभी चला जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं। RH कोड जाए से जाने से ही हम लोगों को पूरा इश्यू क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए और एक बार पे करना पड़ रहा दोस्तों, दो बार हम लोगों को पे करना पड़ता है यहाँ पे इंटर वाला। पूरा इंजन कंट्रोल यूनिट हम लोगों का जो इशू है वो पूरा फ्लैश हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, हमारे चैनल में पहली बार चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे दोस्तों। देखिए हम लोगों का अभी पूरा चेक इंजन लाइट अभी चला जाएगा दोस्तों, देखिए चला गया दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, हमारे चैनल में पहली बार चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।